हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा नाम हुआ अनीश और अनीश उपाध्याय ब्लॉग यूट्यूब चैनल स्वागत है। तो अभी हमारे कॉलेज में इंटर हॉस्टल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें हमारे हॉस्टल थे जितने भी हॉस्टल हैं सभी भाग लिए थे, जिसमें हमारा हॉस्टल नंबर 13 जो है वो जीता था, जिस हॉस्टल में हम रहते हैं। इसीलिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं और हॉस्टल 13 और पूरे प्लेयर को कैप्टन, तो ढेर सारी शुभकामनाएं जीत के लिए। कल हम कैप्टन साहब से बात करते हैं, पहले को आपको बधाई हो। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ऐसा अवसर दिया कि हमारे सारी टीम मेंबर के साथ हमारी क्या प्लानिंग थी और हमने क्या ऐसा किया जो हम मैच जीते। शुक्रिया आपकी चैनल को भी। तो हम अपने टीम मेंबर और कैप्टन से कुछ सवाल करेंगे। तो सवाल मेरा नहीं है, पूरे कॉलेज का सवाल है, पूरे हॉस्टल का सवाल है, जो हम करेंगे बस एकदम माध्यम है। तो पहला सवाल हमारा कैप्टन भाई साहब, तो आपको मतलब क्रिकेट खेलने में क्या क्या चैलेंज लगा? सबसे पहले तो हमें चैलेंजेज ये फेस करना पड़ेगा इनिशियल मोमेंट में, ये था कि हमारे पास बॉलिंग लाइनअप जो थे और एक्सपीरियंस बॉलर एक दो को छोड़ के हमारे पास ये सोचने को बहुत सारे कम समय था कि हमें किस बॉलर को कहाँ यूज़ करना है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज हमारे बॉलर ही थे, बाकी तो हमारे सारे एक्सपीरियंस बैट्समैन थे और मुझे पूरा उम्मीद था कि हमारी टीम जीतेगी और वो जैसा हमने प्लान किया था वैसे उस प्लान पे हम लोग खड़े उतरे। तो कौन सी टीम टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगी? एक्चुअली कोई भी टीम किसी के लिए चैलेंजेज नहीं होती। अगर आप सोचते हो कि अगर सामने वाली टीम की ये पहले से अच्छी है ये है, तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो हमारे लिए कोई चैलेंजेज नहीं थी, हमारे टीम में जितने भी थे सारे 110% नहीं 100% दिए। तो हम जिस प्लान पे उतरे थे उस प्लान पे उतरे और हमारी टीम भी जीत गई। तो अगला सवाल हमारे राणा भाई से है, आखिर लाख बॉल पे स्वीप शॉट खेलने का अपने मन में क्या प्लान चल रहा था? हमारे कैप्टन जी से बात हुआ था कि हम जाएंगे और फील्ड पे तो स्वीप शॉट खेलेंगे, तो कैप्टन जी ने मना किया था कि स्वीप शॉट नहीं खेलना है, जो आगे खेलकर दो रन या उससे ज़्यादा जो रन बनता है वो ले ले। उसके बाद हमने अपना जो कह के गया था कि स्वीप शॉट ही खेलेंगे, उसी पर मैं अपने काम पर खड़ा उतरा और उस स्वीप शॉट खेला और उसका नतीजा हम लोग का आ गया। तो अगला सवाल हमारे कैप्टन भाई साहब, फर्स्ट डाउन पे सुमित तो भेजना, क्या वही मैच का टर्निंग पॉइंट था? सबसे पहले कि हमारा फर्स्ट विकेट जो सोनू का विकेट गिरा, तो हम उस विकेट को इतने मतलब क्या बताएं कि जिसने हमें लीग और सेमीफाइनल दोनों मैच में काफ़ी योगदान था। तो उस मोमेंट विकेट गिरने के बाद हमारे मन में यही चल रहा था ना कि सबसे बड़ी बात है क्रिकेट में जिसके पास कॉन्फिडेंस है वही कुछ कर सकता है। तो सुमित ने ये बोला कि मैं जा सकता हूँ, तो मैंने बोला कि यार जाओ कोई बात नहीं है, जिसके पास कॉन्फिडेंस वो अच्छा खेल सकता है। और जो हमारी प्लान भी थी और सामने वाले अपोजिशन टीम के पास भी ये प्लान नहीं था कि इनके लिए क्या प्लान बनाना है, तो जिस प्लान से हमने उतरा था वो सुमित ने भी अपना एग्जीक्यूशन अच्छा दिया उस मैच में। तो अगला सवाल हमारे सोनू भाई सा है, रन आउट होने के बाद कैसा फील हो रहा था और आपके मन में क्या चल रहा था? रन आउट होने के बाद मेरे को बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि मैं अपने पूरा क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार यार इस इम्पोर्टेंट मैच में रन आउट हुआ। मैं जो फाइनल मैच था उसमें रन आउट होना बहुत मतलब कि दुख की बात होता है दोस्त, क्योंकि उसमें मेरे पास एक ऐसा अवसर था कि मैं अपना नाम और ऊंचा कर सकता था और मेरे पास भी ऐसा अपॉर्चुनिटी था कि मैं अपना नाम बहुत अच्छा कमा सकता था, क्योंकि मैं एज ए ओपनर गया था, जैसा मैं अच्छा परफॉर्मेंस करता तो मैं आगे और टीम में भी जा सकता था अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। तो अगला सवाल हमारे ऋषभ भाई से, आपने बैटिंग बहुत ज़्यादा निराश किया। ये क्वेश्चन पूछ के आपने पहले मुझे निराश कर दिया है, क्योंकि जो उस ग्राउंड पे मेरी पास परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि जब से मैं कॉलेज में यहाँ पे खेल रहा हूँ वो ग्राउंड में नॉट इवन आई विस्को सिंगल डिजिट्स इन द ग्राउंड। सो जब भी कैप्टन ने मुझ पर भरोसा किया या फिर मैं उस पारी में खेलने गया हूँ, जब भी तो मैच पूरे टफ कंडीशन में था या फिर हमें इधर फिनिश करने भेजा गया था और उस पॉइंट पे मैं बैटिंग आज तक नहीं कर पाया हूँ। इस बात से मैं खुद अपने आप में रोज करता हूँ कि मैं आखिर वहाँ पे बैटिंग क्यों नहीं कर पाता हूँ। इस बात से मैं थोड़ा निराश हुआ, कैप्टन ने बार बार मुझे अपने भरोसा करके वो मुझे वहाँ पे बैटिंग करने भेजा है और इस बात से मैं थोड़ा दुखी हूँ, क्योंकि उसमें क्या ही बोल सकते हैं आप। लेकिन आप बॉलिंग बहुत अच्छा की है, उसके लिए क्या बोलना चाहिएगा? ये तो मैं बहुत खुश हूँ कि कैप्टन ने मुझ पर भरोसा जताया, क्योंकि अगर आपने अच्छे से मैच देखा होगा तो सातवें ओवर में जो हमारे बॉलर थे उन्होंने काफ़ी रन दे दिए थे और उस वक्त हमारा स्कोर अप्रॉक्स 80 या 70 के करीब था। अगर वहाँ के मैं 12 बॉल अच्छे से नहीं करता तो वो स्कोर अप्रॉक्स 100 प्लस चल जाती, जो हमारी टीम को चेस करने में थोड़ी मुश्किलें होती। इसमें मेरे माइंडसेट में ये था कि जो लॉन्ग ऑन की बाउंड्री है वो अप्रॉक्स 70 मीटर्स के है,
तो बस मुझे ये करना था कि मुझे वाइड ओपन पे बॉल डालना था, क्योंकि जो वहाँ के बैट्समैन थे वो सामने खेलने जाते हैं या फिर क्रॉस खेलते हैं। बस कैप्टन ने यही माइंड सेट दिया था कि वाइड ओपन पे बॉल डालो, मारना होगा तो लॉन्ग ऑन पे खा लो छक्के, बस मिड विकेट पे नहीं खाना है। बस मेरा यही माइंड सेट था कि मुझे बॉल बस डाल देना है वाइड ओपन पे, बस कुछ नहीं करना, बाकी जो करना है वो बैट्समैन खुद करते हैं। और थैंक यू कैप्टन के लिए जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया बॉलिंग करने के लिए। तो अगला समय कैप्टन भाई से है ऋषभ जी, जब दो मैच में निराश किए तो उसके बाद क्या ऋषभ भाई से आपको उम्मीद था? सबसे बड़ी बात है कि जो एक क्रिकेट होता है वो डाउनफॉल होते रहता है, कभी आप अप और डाउन होते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसने बैट से कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन एक जो भरोसा होता है कि हाँ, कि जैसे विराट कोहली ने आपने देखा होगा पूरा टूर्नामेंट में निराश किया, उसने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस अच्छा किया, तो सेम प्लान मेरे साथ भी यही था कि मैं भी लास्ट मैच में अच्छा करेगा। जो भी लास्ट के दो ओवर बचे थे पूरा उम्मीद था कि ये दो ओवर में रन बना देंगे। और बात रही क्रिकेट की तो बैटिंग में चलते रहता है, और जो बॉलिंग में इनका योगदान था मैं इसके लिए बहुत बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रिया इनका भी करता हूँ कि इन्होंने जो योगदान दिया कि हमारी टीम विजयी हुई, शुक्रिया। तो अगला सवाल फिर हमारा ऋषभ भाई था, फाइनल मैच के दिन आपके मन में क्या चल रहा था? फाइनल मैच के दिन हमारे मन में बस ये चल रहा था ना कि हमने जो पिछले मैचेस यहाँ पे खेले वो हमने नॉर्मल टीम के लिए खेले या फिर नॉर्मल पैसे वाले मैच खेले थे या फिर वो जो मनी वाले मैच होते हैं, ये मैच हमें हमारे हॉस्टल के लिए था, ये हमने यहाँ जो चार साल बिताए हैं ये भी हमारी तरह घर के लिए ही है। हमें बस हमारे कैप्टन ने हमें ये कहा था कि ये मैच हम अपने घर के लिए खेल रहे हैं, हमें ये मैच जीतना है किसी भी तरह, कि आपको पता है कि जो अपोजिशन थी वो हमारी टीम के मुकाबले थोड़ी अच्छी थी, इसलिए बस हमें ये था ना कि हमें जिस पोजिशन पर बैटिंग करने कैप्टन भेजे बस हमें मैच जीतना है, और अपोनेंट और जो हमारी अपोजिशन टीम है उसे बस धराशाही करनी थी, और बस हमारा माइंडसेट यही था कि हमें बस जीतना है और कुछ भी नहीं करना। अगला सवाल फिर हमारे कैप्टन भाई से है, अगेन टीम के ओपनर के बारे में क्या सोच रहे थे? एक्चुअली जो सामने वाली फाइनल टीम थी उनके पास वेल बैलेंस टीम थी, उनके पास बैटिंग और बॉलिंग सब कुछ था, लेकिन हमने जो रात में जो प्लान किया था ओपनर के लिए, जो प्लान भी हमारे साथ बॉलरों के साथ बात हुई थी सारे ने, जो भी अपना था जो स्टैंड था बैट्समैन के साथ अगेंस्ट टीम के साथ, सब ने वही काम किया और हमारी टीम अच्छे कम रन पे उनको रोक दी और हमारी टीम विजयी हो गई। तो अगला सवाल हमारे आरिफ भाई का है, फाइनल के दिन आपके मन में क्या चल रहा था? हाँ, कुछ हमारे टीम 12 या 15 गेंद बचे थे, हमें 21 या 25 रन चाहिए थे, तब हमारा कैप्टन का विकेट गिरा, तो उस समय कैप्टन भी हमको समझाए कि मेन बॉलर था उस समय 8 ओवर 8वां ओवर वो डाल रहा था मेन बॉलर, तो कैप्टन ने हमें समझाया जाके पहले देखना इस अगले बॉल को सिंगल लेना है, पर मैंने जो कैप्टन जिस तरह आउट हुए मेरे मन में ये था कि मुझे हिट करना है, प्रेशर को रिलीज करना है, बस यही चल रहा था मुझे। तो अगला सवाल हमारा अमित भाई से है, जो आपने सेमीफाइनल में इतना अच्छा बॉलिंग किया तो फाइनल में आपके मन में क्या चल रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, जो हमने सेमीफाइनल में बॉल किया था काफ़ी अच्छा किया था, हमें एक ओवर मिला और हमने अच्छे से एक विकेट और काफ़ी अच्छे से उसे डिलीवर किया। इसके अलावा हमने जो हमारा माइंड सेट जो फाइनल के लिए था वो था कि कम रन देना और अच्छे से बॉल को डिलीवर करना, और हमारा अच्छा से चल रहा था फाइनल में, 6-7 ओवर हमने अच्छा किया था, रन रेट को अच्छा से चलाया था, बट जो बैट्समैन था लास्ट में 2 ओवर हमने अच्छा खाया, लेकिन एट द एंड हमने उसे हैंडल कर लिया। तो अगला सवाल हमारे अमर भाई से है, आपने 1 ओवर में 25 रन से ज़्यादा दिया तो आपके माइक में क्या चल रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मैं जब 1 ओवर में 25 रन दिया तब मेरे को अंदर से बहुत बुरी लग रही थी, मैं फील्ड पे मेरे को बहुत नर्वस फीलिंग हो रही थी, मेरे को लग रही थी मैं क्या किया, मैं मेरे कारण मेरी टीम हारेगी, मेरे को अंदर से लग रहा था कि मैंने बहुत गलत, मेरे को बॉलिंग जानी नहीं चाहिए थी। जब मेरे से कैप्टन साहब साहिद भैया ने पूछा कि बॉलिंग तुम्हें करनी है, तो मैंने बोला कि मैंने नेट में प्रैक्टिस की है, मैं फेंक लूँगा बॉलिंग, बट मैंने फर्स्ट 2 बॉल अच्छी डाली, लास्ट 4 बॉल्स में मुझे बहुत गलती हुई, हम लोग को मेरे को समझाया बहुत प्लेयर्स ने भी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, इसके लिए मेरे से सभी प्लेयर्स से सॉरी, थैंक यू। तो अगला सवाल हमारे गौरव भाई से है, आपने पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत अच्छा बैटिंग किया, उसके लिए आपके माइंड में क्या चल रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग से ही प्लान था कि सामने वाले टीम को विकेट नहीं देना है और स्ट्राइक रोटेट करते रहना है, और हमारे कैप्टन
जो है शाहिद भैया, ये हम लोगों को बोले हुए थे, गाइड किए हुए थे स्टार्टिंग से ही कि सामने वाले टीम पे अपना प्रेशर बना के रखना है। तो इसलिए मेरा यही प्रोग्राम था कि मैं जहाँ भी मतलब स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिल रहा था, मैं वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, जिसके कारण से सामने वाली टीम पे और प्रेशर बन रहा था। और सबसे पहले कि एक अपॉर्चुनिटी था हम लोग के पास कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो था वो लंबे समय तक बना रहे, और जिसे हम लोग फॉलो भी किए। आपसे एक और सवाल है, अब सोनू भाई आपके साथ बैटिंग करने गए थे तो रन आउट हो गए थे, तो फिर आपके मन में क्या चल रहा था? सोनू भैया हम लोग के मेन बैट्समैन में से एक बैट्समैन थे, और स्टार्टिंग से ही प्रोग्राम था, मैंने उनसे बोल रखा था कि हाँ कि चाहे मेरी विकेट चली जाए लेकिन आपको अपनी विकेट को सेफली रखना है। बट हम दोनों के बीच में इस टूर्नामेंट में अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, बट लास्ट फाइनल में हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका विकेट मतलब गंवाना पड़ा हमें, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मतलब दिक्कत का सामना भी करना पड़ा, मुझे काफ़ी तकलीफ भी हुई कि हाँ कि मेरे से उनका विकेट गंवाना पड़ा, और उसके मतलब नतीजे जो हुए हमारे टीम पे काफ़ी मतलब इफेक्ट पड़े, जो मतलब बिल्कुल ही सही नहीं था। तो अगला सवाल हमारे सुमित भाई से है, लास्ट तो हमें 17 रन बनाना था, तो सुमित भाई द माइंड सेट में क्या चल रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैनल को ढेर बधाई। तो लास्ट ओवर में मैं ज़्यादा सोचा नहीं, मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं 6 बॉल फेस कर लूँगा तो मैं मार सकता हूँ। ऐसे हम जान रहे कि प्रेशर में बॉलर लेंथ भुलाता है, उसको बॉलर प्रेशर में हम चिल्ड थे, हम पूरा कूल माइंडेड थे, ऐसे जिस टाइप का बॉल आता उस टाइप का माइंड को खेलते, बट बॉलर ने गलती किया, बस मैंने उसको डिलीवर कर दिया और ज़्यादा नहीं सोचा। तो सुमित भाई से और सवाल है, क्या आपके मतलब आप हरदम क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा फेस कभी आया है कि इतना ज़्यादा रन मारना हो लास्ट ओवर में? क्योंकि ऐसे कंडीशन में बड़े बड़े बल्लेबाज से भी रन नहीं लगता है। देखिए जब से मैं MMDU में आया हूँ तो ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं, यहाँ पर 2-3 साल मतलब खेला नहीं, इस साल से स्टार्ट किया हूँ। तो ऐसे मैं अपने गाँव में जब छोटा मोटा टूर्नामेंट होता था तो वहाँ पर भी हमारे भैया थे जो हमको ले जाते थे, पहले गेंदबाजी करवाते थे फिर बैट्समैन बनाए, तो उसने बताया था, बहुत सारे हम लोग को कॉन्फिडेंट देते थे इस तरह बैटिंग करो, हरदम हम लोग सीनियर प्लेयर के अंडर खेले हैं, तो मैं काफ़ी इससे एक तरह से एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि हमको सब पता था कि वो हरदम बताते थे कि अगर पूरा मैच तक जाया जाए ना, लास्ट गेंद तक जाया जाए ना, तो कुछ भी हो जाता, हमारे टीम का विकेट गिर रहा था, मैं जान रहा था कि अगर हम 6 बॉल अगर लास्ट गेंद तक खेल लिया जाए ना अगर बैट्समैन, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग पूरा अंत तक गए, लास्ट तक गए मोमेंट तक। तो अगला सवाल हमारे वसीम भाई से है, तो आपने जब पहला ओवर में पहला विकेट लिया तो उससे पहले क्या कोई प्लान था, या मतलब विकेट लेने ही सिर्फ जाना था? जब हम फाइनल में पहला ओवर करने आए तो फाइनल से एक रात पहले ही हम लोग की प्लान थी कि हमें अटैकिंग बॉलिंग करनी है, हमें बचना नहीं है, क्योंकि अगर हम बचने जाएंगे तो हमारे जो कमजोर बॉलर हैं उनको ज़्यादा पिटाई हो सकती है। इसलिए हम पहले ही अटैक के मूड में थे, विकेट के मूड में थे, आगे बॉल कर रहे थे, इसकी वजह से कि आगे की बाउंड्री बहुत लंबी थी, अगर मिसेज होगी तो कैच होगी, वही हुआ विशाल के साथ, वही हुआ, हम आगे बॉल किए, वो मिस हिट किया, ऋषभ के हाथ में कैच किया। तो अगला सवाल हमारे वाइस कैप्टन से सुमित भाई से, तो बॉलर के बारे में आपके मन में क्या प्लान चल रहा था? एज ए वाइस कैप्टन मैंने कैप्टन से डिस्कस किया था इसके बारे में, जो कि हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारे पास मेन 2 बॉलर हैं प्रॉपर, और हम लोग पास काफ़ी सारे पार्ट टाइमर थे, तो हमने यही बोला था कि शुरू में अगर उनका विकेट अगर ले लिया जाए तो हम लोग पार्ट टाइम अगर प्रेशर में उन लोग को डाल दिया था तो हम लोग पास अपॉर्चुनिटी रहता कि पार्ट टाइमर को बॉल निकलवा सके वहाँ पर। तो हम लोग ने सेम वही स्ट्रेटेजी अपनाया था कि शुरू में हम लोग अटैक किए, वहाँ पर विकेट हम लोग को हासिल हुआ, इसके बाद हम लोग पार्ट टाइमर से बॉल निकलवा दिए। अगला सवाल हमारे ऋषभ भाई से, 2 ओवर में 21 रन चाहिए थी, कि आपको उम्मीद था कि बन जाएगा? हाँ, उम्मीद तो अच्छे से था कि मैं बना लूँगा रन, क्योंकि 21 रन ज़्यादा नहीं होते 12 बॉल में बनाने, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में 12 में 21 नॉर्मल लगते हैं। एज अ कैप्टन जिस रोल के लिए मुझे टीम में रखा गया था तो उस रोल के लिए मैं परफेक्ट था, पर उस रोल पर मैं जाके रन नहीं बना पाया, इस बात से मैं थोड़ा निराश हूँ अपने बारे में। तो अगला सवाल फिर हमारे सोनू भाई साहब, ऐसा मोमेंट बताइए जो क्रिकेट टूर्नामेंट आप खेल रहे थे जो आप मोमेंट भूलना नहीं चाहते हैं?
उसमें मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट ये था कि मेरा कैप्टन मेरे पे विश्वास करके मेरे को ओपनर चुना है चुना, और उसमें मैंने ओपनर में अपना सबसे बेस्ट दिया। मैंने फर्स्ट मैच में ही 46 रन मारकर मैं अपना ओपनर का जगह भी फिक्स कर लिया, और मैंने बहुत अपना अच्छा बेस्ट दिया सबसे ज़्यादा। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो मेरा कैप्टन था जो मेरे पे विश्वास किया, और मैंने उसके विश्वास पे एकदम खड़ा उतरा। तो अगला सवाल हमारे ऋषभ भाई, यह सवाल हमारा नहीं है, सवाल पूरे कॉलेज का है, हमारे क्लासमेट का है, सीएससी ब्रांच का भी, कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप कैसे प्रैक्टिस कर लेते थे, मैनेज कैसे कर लेते थे, क्योंकि हर बच्चों से ऐसा होता नहीं है। जो क्वेश्चन आपने पूछा है इसका आंसर देना थोड़ा हमारे लिए टफ है, क्योंकि जो हमारे कॉलेज है उसकी अटेंडेंस जो 90% है, ताकि इसके लिए हमें, और आप देखोगे आजकल अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है तो हमें रात में प्रैक्टिस करने में बहुत मुश्किल होती है। तो कैप्टन ने हमें ये कहा कि हम अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं जो कि 5 बजे से 7 बजे तक, इसमें सारे प्लेयर्स अपना 100% देंगे और जो शाम में उसके मैचेस करेंगे। तो हमने बस यही मैनेज किया कि हम अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं और शाम में जो अपने अपने काम है सारे करते हैं, बस यही हमारा स्ट्रेटजी था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो अगला सवाल हमारे दिनेश भाई और रुपेश भाई से है, आपको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था शुरू से 2 या 3 मैच में, तो आपके माइंड सेट में क्या चल रहा था आपके कैप्टन के बारे में, हमको खिलाना नहीं चाहते हैं या क्या था ऐसा कुछ? सबसे पहले थैंक यू आपको। हमारे माइंड में ये चल रहा था कि अगर हमको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रहा तो कोई ना कोई मेरे में कमी होगी, क्योंकि मेरे कैप्टन मेरे बारे में जानते हैं कि बहुत दिनों से वो मेरे साथ भी खेल रहे हैं। तो हम लोग को खुशी थी कि अगर जो मेरे से बेस्ट है उसको वो मौका दे रहे हैं, तो इसलिए मेरे मन में कोई मतलब दिक्कत नहीं, उनके प्रति कोई ऐसी नहीं था। सबसे पहले थैंक यू। प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने का मेरा कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि शाहिद भैया ने हमको बहुत सारे मौके दिए प्रैक्टिस के समय, बट उस टाइम मैं अपना परफेक्ट नहीं दे पाया, इसी वजह से शायद प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाया। तो अगला सवाल हमारे अमन भाई साहब, पहला मैच में आपको मौका मिला था, उसके बाद दूसरा मैच में कैप्टन साहब आपको क्यों ड्रॉप कर दिए? थैंक यू। पहले जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले मैच में खेला था और मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है, बट मैच के आखिर में मेरे पैर के लिगामेंट में मुझे चोट लग गई थी, तो उसके हिसाब से कैप्टन साहिद ने मुझे एक अच्छे प्लेयर की जगह पे रिप्लेस कर दिया था, जो कि फाइनल में और सेमीफाइनल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मुझे अपनी टीम पे भरोसा था एटलीस्ट, खासकर राणा, साहिद, ऋषभ, ये सब बहुत अच्छे प्लेयर है, मुझे पहले से पता था ये अच्छा खेलेंगे फाइनल में, और इन्होंने करके दिखाया, सो थैंक यू। तो अगला सवाल हमारे कैप्टन भाई से है, तो इस टूर्नामेंट से जीत किया तो मैं कैसा लगा? सबसे पहले तो जैसे जितने सारे ऑडियंस आए हैं तो आप देख के भी एक्साइटमेंट देख सकते हैं कि ये मैच का क्या मतलब जो भी था एक्साइटमेंट सारे सबके लिए, जितने भी हॉस्टल हैं, हमने तो 4 साल में कॉलेज के लिए भी खेला, राजस्थान गए, मतलब जो भी होता है ना सब कुछ ही अपने डिपार्टमेंट के लिए खेले, तो लास्ट मोमेंट हमारे लिए यही था कि अब अपने घर के लिए खेलना है, कि हम जिस घर में रहते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारे जो भी वार्डन सर थे हमें मोटिवेट करते रहे डेली कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है, और एक चीज़ ये रही कि हमारी टीम में जो कंसिस्टेंसी देखने को मिली कि इन्होंने प्रैक्टिस जम के किया। ये कोई मैटर नहीं करता है कि एक होता है कि आप पे कितना भी टैलेंट हो, और अगर आप काम नहीं करते हैं तो टैलेंट की कोई कदर नहीं है। तो हमने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत किए और वो मेहनत दिखा भी फाइनल के दिन, और हमने जीत भी पाई। और इस टूर्नामेंट में सीखने को ये मिलता है कि कोई भी चीज़ होती है तो आप अगर मेहनत से करते हो, अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो जीवन में आप कुछ भी कर सकते हो, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये आखिरी सवाल हमारा है कैप्टन भाई से, क्या आप अपने प्लेयर पे भरोसा था? सबसे पहले तो एक किसी भी घर को चलाने के लिए एक एकता की ज़रूरत होती है, तो हमने जो भी प्लेइंग 11 और 15 बनाए थे सब ने मिल के साथ दिया, और सब ने जो भी अपना देना था 100% दिया, हमारी बातों को उन्होंने जो भी हमारे साथ थे वो स्टैंड कर गए, और हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं रही, सब ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और क्रिकेट होता है कभी किसी से कैच छूटा है या कभी बैटिंग में अप डाउन होते रहते हैं, तो इनके लिए कोई नाराज़गी नहीं है, ये क्रिकेट का पार्ट है, क्योंकि हमने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी एक्सपीरियंस है तो हम सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, और बस हमने एकता दिखाई और एकता के दम पर हमने जीत भी पाई। तो इंटरव्यू करते हुए हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी हॉस्टल नंबर 13 में रहने वाले ही हैं और हमारा ही हॉस्टल मैच जीता है, इंटरव्यू करते हमको बहुत मज़ा आ गया और आपको भी मज़ा आया होगा इंटरव्यू देने में। सबसे पहले आप सभी से गुजारिश है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और इनमें जो भी आपको लगती होगी कि हमने जो भी ऐसा
बातें बोले होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं अपना।